हेलो गाइस, आज संडे है। संडे वाले दिन हम ब्लॉग बनाने जाते हैं, लेकिन आज गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से टेम्परेचर 47 के करीब है आगरा में, तो गर्मी ज़्यादा होने की वजह से आज हम कहीं ब्लॉग बनाने नहीं जा रहे हैं। तो हमने डिसाइड करा है कि हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं वहाँ पे नीचे एक रेस्टोरेंट टाइप से बना हुआ है, पंडित जी की 25 साल पुरानी दुकान है, तो उस दुकान में हम फूड कॉम्पिटिशन रखने वाले हैं। उसमें क्या है कि चाउमीन हम बच्चों को खिलाने वाले हैं और उस पर हम एक 1100 रुपये का इनाम जो है रखने वाले हैं। तो 2 मिनट के अंदर 4 प्लेट चाउमीन जो जल्दी खा जाएगा उसको 1100 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा। तो मैं रेडी हो चुका हूँ, अभी अपने घर पर हूँ और अब बस जस्ट यहाँ से मैं निकल रहा हूँ और नीचे जाके देखता हूँ कि क्या चल रहा है वहाँ पे, और मैं प्लानिंग करके और वीडियो शूट करता हूँ। तो आप लाइक कर दीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो गाइस, पूरी तैयारी हो चुकी है, और चाउमीन आ चुकी है सबके लिए। 4-4 प्लेटें हैं और 4 लोग हमने रखे हैं और ये सबके सब बैठे हुए हैं। वहाँ पे पंडित जी भी खड़े हुए हैं और मैं आपको डीपली दिखा देता हूँ और पंडित जी से भी मैं बात करा। अच्छा, क्या क्या बनाते हो आप, क्या क्या चीज़ें रखते हो? मेरे यहाँ विशेष करके करीब मैं जानता हूँ 24-25 साल से मैं चाउमीन का काम कर रहा हूँ। सबसे पहले मेरे यहाँ चाउमीन और पेटी बनाने का काम किया करता था और स्टार्टिंग मैंने वहीं से की थी। आज बालाजी महाराज की कृपा से मैं इस स्थिति में हूँ जो आप लोगों के बीच में खड़ा हुआ हूँ, और इस क्षेत्र में मैं क्या कहूँ अपने मुँह से, सारे लोग भी बताते हैं पंडित जी आप बहुत अच्छी चाउमीन बनाते हो और इस क्षेत्र में चाउमीन के नाम से बहुत मशहूर फेमस। ये जो प्राइस रखी है पंडित जी ने रखी है, तो पंडित जी बताएंगे कितना प्राइस रखा है, जो फर्स्ट विनर है उसको कितना पैसा मिलने वाला है। पंडित जी आप मुझे बताइए आप कितना पैसा देने वाले हो। सबसे पहले तो 2 मिनट के अंतर्गत इन लोगों को 4 चाउमीन खाने, जो सबसे पहले खाएगा उसको 1000 रुपये इनाम दिया जाएगा। बहुत बढ़िया, कुल मिला के ये है कि 4 लोगों को 4 प्लेटें दी गई हैं, जो सबसे पहले 2 मिनट के अंदर 4 प्लेटों को ख़त्म करेगा उसको 1100 रुपये नगद इनाम दिया जाएगा, ऐसा पंडित जी का कहना है। पंडित जी यही बात है? बिल्कुल, आप पूरी तरीके से तैयार हो? बिल्कुल, 1100 रुपये देने पड़ेंगे। बिल्कुल सर, मेरे पास है। अच्छा ठीक है, इनके भी दिखा दे रहे हैं, पंडित जी के हाथ में है। पंडित जी आप वहाँ पे रख दीजिए 1100 रुपये, जो भी जीतेगा उसको आप 1100 रुपये दोगे अपने हाथ से। एक बार तालियां फिर से बजा दो दोस्तों। ये सारा सब कुछ पंडित जी ने डेकोरेट किया है, ये सबके लिए 4-4 चाउमीन की प्लेटें अलग से लगा दी गई है और ये पूरी फुल भरी हुई चाउमीन की प्लेटें हैं, देखने में काफ़ी सुंदर लग रही हैं और खाने में पता नहीं, ये टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी लग रही है। बाकी का कंपटीशन में आप बने रहिए और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं करी है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये चारों का चारों रेडी है, आप पूरी तरीके से रेडी हो? अच्छा, कौन फर्स्ट आने वाला है आप में से? अच्छा, चारों ने ये दावा किया है कि मैं फर्स्ट आने वाला हूँ, अब ये समय बताएगा कि कौन फर्स्ट आने वाला है, लेकिन चारों के चारों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और फर्स्ट आने की पूरी पूरी संभावना में ये अपनी कोशिश करेंगे और देखने को, हाँ मतलब देखने मज़ा भी आएगा कि कौन फर्स्ट आता है और कौन आज की प्राइस को लेके जाता है। तो फाइनली दोस्तों 1100 रुपये यहाँ पर रख दिए गए हैं और सबके सब पूरी तरीके से तैयार हैं और आप देख सकते हो कि कितना जल्दी है इन लोगों को चाउमीन खाने की और 1100 रुपये जो है प्राप्त करने की, इतनी जल्दी में बैठे हुए हैं, बिल्कुल रेडी हैं पूरी फुल जोर से। और पंडित जी भी खड़े हुए हैं, उनके साथी भी खड़े हुए हैं, कुछ रेस्टोरेंट में आए थे वो भी खड़े हुए हैं, ये पंडित जी का पीछे बैनर भी लगा हुआ है और आप देखोगे प्रॉपर तरीके से पूरा सिस्टम रेडी हो चुका है। बस अब ये है टाइमिंग लगाने वाली बात बची है, पंडित जी अब टाइमिंग लगाएंगे अपने मोबाइल में और कंपटीशन चालू करेंगे, बने रहिए वीडियो के साथ। ये पंडित जी के हाथ में मोबाइल है और इसमें पंडित जी ने जो है टाइमर लगा दिया है, मैं आपको प्रॉपर तरीके से दिखा देता हूँ, लाइट बंद हो गई है इसमें, ये टाइमर लगा दिया है और जैसे ही 1, 2, 3 करेंगे पंडित जी स्टार्ट हो जाना है आप लोगों को और अपना जो है खाना स्टार्ट कर देना है। जैसे ही स्टॉप करेंगे वैसे ही आप जो जिस कंडीशन में है उस कंडीशन में आप सरेंडर कर दोगे। नहीं, कोई भी
देख सकता है, अभी हमें कुछ नहीं मिला है, अभी तो पहली प्लेट है, कोई दिक्कत थोड़ी है। खींचो मीटर, चौबीस सेकंड हो चुकी है, 30 सेकंड हो, सेकंड हो चुकी है और एक मिनट खाली हो चुकी है दूसरी प्लेट की ओर बढ़ते हुए। अब देखते हैं कौन जीतता है, जो ज्यादा खा पाएगा उसको 1100 रुपए मिलेंगे। और ज्यादा यहाँ पर शोर मचा हुआ है, सीटी भी बज रही है, इनका हौसला भी बढ़ाया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। ये दूसरी चावल की प्लेट उन्होंने ले ली है, हाँ ये देखो 1 मिनट 34 सेकंड हो चुकी है, देखते हैं कौन जीतेगा। अब ये कौन जीतने की, ये सारा का सारा सब कुछ हो चुका है और इन्होंने चाउमीन खा लिया है। सबसे ज़्यादा विजयी कौन रहे हैं पंडित जी, आप बताइए मुझे सबसे ज़्यादा चाउमीन किसने खाई है, दो प्लेट खा ली है किसी ने? दो पहली खा के दूसरा नंबर इसने लगाया। अब ये तो बराबर पे रह गया मामला, कौन ज़्यादा जीता है ये तो बता दो। कोई नहीं, कोई नहीं ज़्यादा जीता है, सब बराबर रह गया। ये सब ने बराबर ही चाउमीन खाई है, पता नहीं किस तरीके से जो चाउमीन छोड़ दी इन्होंने। अच्छी नहीं बनी थी क्या? बहुत अच्छी थी, चाउमीन कैसी लगी थी आपको? अच्छा, खाने में मजा आया, नमक मिर्च सब सही था, मसाला वगैरह सारी चीजें सही थी और पंडित जी ने मतलब सही बनाई थी कुल मिला के, ये है ना। ये देखने के लिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पे और सही रहा मामला जो है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रॉपर तरीके से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम आधा आधा जो है दोनों लोगों को दे देते हैं। कौन कौन किसने किसने ज़्यादा खाया? फर्स्ट नंबर पर रहे, इनका नाम श्याम है और ये धनौली के निवासी हैं। इन्होंने जो है फर्स्ट नंबर पर रहे, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा खाया है इन्होंने, हालांकि दोनों के दोनों हम बराबर वो यूज कर रहे हैं। आपका क्या नाम है? इनका नाम पुष्पेंद्र है, इन्होंने भी बराबर ही खाई है एक तरीका से। पुष्पेंद्र और श्याम आप इधर आ जाओ, आ जाइए आप, आओ पुष्पेंद्र, आप श्याम खड़े हो जाओ आप भी। ये पंडित जी जो है इनको इनाम की राशि जो है इनके हाथ में दे रहे हैं, ताकि आपको ये ना लगे कि कंपटीशन था ही नहीं। आप पंडित जी आप इनको पैसे दीजिए, ये शाम को पैसा मिल चुका है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये क्या नाम बताया था, पुष्पेंद्र को भी पैसा दिया जा रहा है, एक बार और तालियां बजा दो, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया लगा। पंडित जी आपने ये कंपटीशन रखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आगे चल के भी आप कंपटीशन रखेंगे तो हमें बुलाएंगे, इस बात की आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपसे। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, हमें बहुत हार्दिक दिल से जो है शुभकामनाएं, आपका रेस्टोरेंट अच्छे से चले, हम आपका सपोर्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।